हुजूर गौसे पाक ना अब्दुल कादर बाप दना हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त सुनया जे नौजवानों माँ दना उम्मुल खैर बीबी मैं गल करना चाहना आप दे नान के भी आला ने ते दाद के भी आला है किसी का मरतबा ते मकाम अगर वेखना हो ना या उदे दाद के वेखे जाने ते या उदे नान के वेखे जाने ते गौसे पाक ते हसनी ते हुसैनी सैयद ने माँ हजरत इमाम हुसैन दे विचू ने बाप हजरत इमाम हसन दे विचू ने नौजवानों मैं किड़ी किड़ी गल सुनावा खुदा की कसम याद रखे जी अगर मैं इन्हां दे वाले दे ग्रामी की सीरत पढ़ा घंटा लग सकता है माँ की सीरत उत्ते गल कि घंटा लग सकता है लेकिन मैं इंशाल्लाह कोई दो तीन चार गल्लां करके मेरी हाजिरी मुकम्मल सुनिया जी थकते नहीं गए कमाल अल्लाह तुहानू सलामत रखे मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह मैं गल करना चाहना नौजवानों बड़ी मशहूर उलमा दे गुलदस्ते दे अंदर मैं बात पे करना आप ते वालिद गिरामी हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बड़े मुत्तकी दे परहेजगार सन इस महफिल दे अंदर मैं गल करना चाहना सुनया जे नौजवानों तवज्जो है आपने रोजा रखिया सी वालिद गिरामी गौसे पाक दे वालिद गिरामी ने ते दरिया दे किनारे जांदे सन ते रोजा दी रोजे दी हालत ते इफ्तारी वास्ते कोई समान नहीं अचानक उस पानी दे विच इक सेब रुड़दा आ रहा सुनिया जे सब नूं पता है सुनिया उलमा दे कोलों मैं हुसूले बरकत वास्ते सुनाना चाहना इहदे विच असल सानूं पैगाम की मिलिया नौजवानों सुनिया जे सेब रुड़दा आ रहा ते पकड़िया इफ्तारी दे वेले खादा ते जदों हलक तों थले गया ना अंदर फिर अंदरों ही आवाज आई नहीं बोले आखो सुभान अल्लाह अंदर गया ते फिर अंदरों ही आवाज आई ओए शेख अबू साले मूसा खा ते ले आई जे कल कयामत दे दिहाड़े दे मालिक ने पूछ लिया किदी इजाजत तो बगैर खा दई ते की जवाब देवेंगा वेखो एनू तकवा किया जांदा अज ते असी एक रेड़ी तो फड़िए ना कोई केला इथों खादा चक के तां उथों मरूद चुकया उथों सेब चुकया उथों फलानी चीज वो बंदर रज जांदा है वो माड़ा बंदा जड़ा हुंदा है बाज जी मैनू पसंद नहीं आया ना करिया करो नौजवानों इंज बंदे गरीब होंदे ने जदों चीज़ नहीं ना लैनी तो फिर रेड़ी दे अगले दिन असीं उंज रगड़ा ला लैने हकीकत गल इसे तरह तवज्जो करिया जे एक सेब खादा तो दिल दे विचों आवाज़ नहीं मैं माफ़ी मंगनी जिदा भी है तुरे तुरद्या 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 एक बाग से बंद आया नौजवानों जो बाग आया ना सुनया जे ते बाग दियां जिहड़ियां शाखा ने उस दरिया दे विच ते सेब लटकदे नजर आए ना आखिया हो सकदा ऐ ही बाग होवे अंदर गए ते पुछया किहड़ा मालक है मालक कौन सी हजरत अब्दुल्ला सूमाई रहमतुल्लाह तआला ले ये पता कौन है हजूर गौसे पाक दे नाना जान ने नहीं बोले आखो सुबहान अल्लाह ये नाना जान ने नौजवानों अंदर गए थे जिदो एन करके वेख्या सोना जिहा बाबा वह भी सैयद है सैयद ने सैयद वल वेख्या है वली ने वली वल वेख्या आखिया बाबा जी तुसी मालक हो मैं तुहाडे बाग दा रोड़ दा सेब खादा अज ते किसी शह लभ जाए ना आंदे ने कोने रगड़ जाते ने बंदे हत्ता कि उहदा ऐलान करवाना पैंदा नौजवानों तवज्जो करे अजे ते जदों आखिया जी हाँ मैं ही इसे बाग दा मालिक हाँ एक सेब खादा बाबा जी माफ़ी चाहिए जो बाबे ने एन करके वेख्या ना कि इस दौर के अंदर ये नौजवान एक सेब की वजह तो मैनू पता ही कोई नहीं ते इस सेब खान की वजह मेरे को माफ़ी मंगना आ गया बाबे ने कहा होवे ना इनू मैं चेक करा शह की है नहीं बोले बुकलां उतारो ककर नहीं जे पै रहे हाथ चुको तो बोलो सुभान अल्लाह इन्नी ठंड बना के बैठे नाल दे बंदे भी तंग पे ने मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह हाँ अल्लाह सलामत रखे तवज्जो करे जे नौजवानों ते ऐनी करके बाबे ने आख्या लै भी पुत्रा गल ए माफ़ी मंगन आया एक शर्त है तेनू मैं माफ़ी दे मंगा केड़ी शर्त है आख्या भी 12 साल मेरे बाग की गोडी कर किन्ने साल 12 साल मेरे बाग की गोडी कर फिर सोचांगे देनी है कि नहीं देनी फिर सोचांगे माफ़ी तेनू मिलनी है कि नहीं मिलनी सुनया जे नौजवानों फरमांदे ने बाबा जी मैनू मंजूर है पर उत्थे हिसाब नहीं हो दिता जाना इत्थे इत्थे मैनू माफ़ कर दे नौजवानों तवज्जो करे जी जदों 12 साल पूरे होए ना
किताबों के लिखा वे तो फिर हाजरी होगी। बाबा जी माफ़ी दे दियो, अज असी कदे सोचिया साड़ी तली उत्ते जिहड़ा पैसा हुंदा है असी किवें कमाने आ, किवें असी लै के आए आ, नहीं सोचते। खुदा की कसम याद रखे जी, एक लुकमा भी हराम दा पेट दे विच चला गया ना, 40 दिहाड़े उस बंदे की दुआ कबूल नहीं होती जिन्हें सारी जिंदगी हराम खादा हो। अल्लाह के नबी मूसा अलैहि सलातु सलाम जा रहे ते रस्ते अंदर एक बंदा रोंदा है, रो रो के मालक की बारगाह हाथ जोड़ के कहता या अल्लाह मैनू माफ़ी दे दे, मैनू माफ़ी दे दे, आइंदा तो मैं गुनाह नहीं करांगा। हजरत मूसा नूं तरस आ गया, कलीम सन रब दे, आखे या अल्लाह इहनूं तरस आ, मैनू इहदे ते तरस आ गया, या अल्लाह तू भी तरस खा लै ते इहनूं माफ़ कर दे। अल्लाह ने आखिया मूसा इहदी सिफारिश ना करे। पुछया गया क्यों, सुने जे नौजवानों, आप फरमाते ने या अल्लाह की वजह है बंदे ना नाराजगी हो गई एडी। अल्लाह ने आखिया इहदे पेट च इक हराम दा लुकमा, एक हराम दा लुकमा, ते रब नाराज हो गया ते जिन्हें सारी जिंदगी हराम खादा हो। सुनिया जनो जवानों, ते 12 गौसे पाक दा लंगर ते असीं खाने आ ना, पर असीं सीरत ते अमल नहीं करते। सुनिया जे ऐ लच्छेदार तकरीरां भी होंदियां ने, शेर भी पढ़े जाते हैं, कदे कदे इंज दियां गल्लां भी सुन लैनियां चाहीदियां। सुनिया जनो जवानों, ते जिस वक्त ड्यूटी मुकम्मल होई ना, तां आखिया जी हजूर माफ़ी दियो, ते बाबे ने आख्या एक शर्त हो रही, नहीं बोले आखो सुभान अल्लाह। एक गौसे पाक दी गल नहीं, आपके वालिदे गिरामी दी गल है। आखे एक शर्त हो रे, आखे जी केड़ी शर्त है, मेरी धी है ते तैनूं उहदे नाल निकाह करना पवेगा, उहदे नाल जी मैनूं मंजूर है, पर वेख ली अखा तो नबीनी आ, वेख ली कन्ना तो सुनदी कोई नहीं, दिमाग की मफलूजी, हथा तो मलूली आ, पैरां तो लंगड़ी आ, कर लवेगा मंजूर है। कोई एक सेब की वजह तो मापिया नूं पता ही कोई नहीं। इन्हों आख्या जाता या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअ सादिकीन, ऐ तकवा नौ, जो रब कहिंदा कि ईमान वाले मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह दे कोलों डर जाओ, ऐ तकवा नौ जवानों तवज्जो करिया जे। आख्या मैनू निकाह होया, तवज्जो है, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों तवज्जो करो, जिहड़े वेले निकाह होया हजरत हुजूर गौसे पाक दे वाले दे गिरामियां निकल के हुजरा उरूसी दे अंदर गए, आप जिहड़े वेले अंदर गए ने सामने वेखिया वे सामने औरत बैठी हुई है। नौजवानों जिहड़े वेले करीब गए ने निकल के वेखिया, ओए अखां तू भी ठीक, कन्ना तू भी सुन सकदी है, दिमाग दी भी ठीक, गल्लां बीवी पई करदी है, तुर भी सकदी है। गौसे पाक दे बाप नूं इंज लगा जिवें कोई गैर महरम है, के जड़ियां मैनू निशानियां दसियां गईयां ने एक भी नहीं पाई गई। आप दौड़ के बारे आ गए, कहंदे ने बाबा तू ते आखिया सी मेरी बेटी अखां तू नबीनी है, तू ते आखिया सी दिमाग दी मफलूज है, तू ते आखिया सी मेरी बेटी बोलती भी कोई नहीं, सुनती भी कोई नहीं, तुरती भी कोई नहीं, एदे अंदर तक एक भी शर्त नहीं पाई जा रही। बाबे ने गौसे पाक दे बाप नूं सीने दे नाल लाया ते ला के आखे मुंडिया गल ते तेरी ठीक है, मैं इस वजह तू आख्या दी मेरी बेटी दिमाग दी मफलूज है, क्योंकि मेरी बेटी ने कदे गलत सोचा कोई नहीं, मैं सुमार ती आख्या दी मेरी बेटी बोलती कोई नहीं, कदे उन्हें किसी नूं गाली नहीं कढ़ी, कदे किसी नूं बुरा भला नहीं आख्या, मैं सुमार ती आख्या दी मेरी बेटी कन्ना तू सुनदी कोई नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने कदे गाने सुने कोई नहीं, आख्या मैं सुवाते आख्या दी मेरी बेटी हत्था तू लोली है, उन्हें कदे गलत चीज नू पकड़िया कोई नहीं, मैं सुवाते आख्या सी मेरी बेटी तुरदी कोई नहीं, कदे गलत जगह ते तुर के नहीं गई। अनकर गजड़े मेरे बापे ने गौसे पाक दे बाप नू सीने दे नाल लाया ते ला के आख्या मुंडिया जे तू एडा मुत्तकी है फिर दुल्हन भी मुत्तकी होनी चाहिए। अल्लाह तुहानू सलामत रखे नौजवानों,
जे तू एडा मुत्तकी ते परहेजगार ने फिर दुल्हन भी इंज दी होनी चाहिए है ना। जिन्ना कोई इम्तिहान ले जाते हैं नौजवानों फिर अल्लाह उन्होंने कामयाबियां भी बड़िया अता फरमा दे अपने बंदे को इम्तिहान फिर मैं एवं नहीं मियाँ साह फरमा दे आ फरमा ने दादक नानक नहीं बोले आख सुभान अल्लाह दादक नानक दादक नानक दादक नानक ए बल्लां उच्चा दादक नानक बल्लां उच्चा ते सुच्चा खसबां नसबां नबियां नालों नबियां नालों भी घटना रहा हर सिफतों हर वसीबों ते फिर जो निकाह आया ने अल्लाह ने फिर सोना जिहा पुत्र दिता जिदा ना है गौसे पाक नहीं नहीं इंज नहीं यार आखो सुभान अल्लाह गौसे पाक जो मां की गोदी दे विच सुनिया जी बाप दा साया उठ गया यतीम हो गए जिन्हों अल्लाह ने मरतबे ते मकाम दिते ने याद रखिया जी नौजवानों बचपन दे विच बाप दा साया उठ गया मेरे नबी ने वेखो बचपन च बाप दा साया उठ गया दाता दी हजबीरी ने वेखो बचपन च बाप दा साया उठ गया खाजा ज मेरी ने वेखो किसी की भी सीरत उठा के देखो अल्लाह बचपन दे विच बाप दा साया उठा के अपनी रहमत दा साया फरमा देंदा वे ते जिहड़े उदों बाप दा साया उठे ना नौजवानों तवज्जो करिया जे ते इंज करके ना एक दिहाड़े ना गौसे पाक नूं बड़ी बड़ी गुफ्तगू तवील मैं गलबन कोई दो घंटे ये दो जुमे पढ़ा चुके हैं इंशाल्लाह यूट्यूब ते तुहानूं मिल जाणगी आपदी सीरत उत्ते बगैर ना बंदा बयान कर दे मुकदी कोई नहीं ते मां ने पकड़े ते पकड़ के नाने दी बारगाह दे विच हुज़ूर गौसे पाक दे हज़रत अब्दुल्ला सोमी रहमतुल्लाह ताला दे कोल लैके आ गई जदों लैके आई ना आखे जिहदा बाप कोई नहीं तुसां इहनूं ही परवरिश करनी है तुसां ही पालना है, है? ते जदों आप अपने नाने की माइयत दे विच रह के परवरिश करदे पे इन्हां नौजवानों आप दे नाना जन बड़े मुस्तजाब दावा सन जिहड़ी भी दुआ करदे सन अल्लाह कबूल करदा सी नौजवानों तवज्जो करिया जी ते आप जिंदगी दे अंदर कदे खेडे नहीं सन बच्चिया दे नाल खेडदे नहीं सन एक विद्याड़े यहूदियां दे बच्चे नौजवानों तवज्जो करिया जी वह सारे इकट्ठे होकर काफरन के बच्चे आ गए तो पता कहें अब्दुल कादर यार जरा खेडन ना चलीए बच्चे बच्चे फिर होंगे ने जेड़े भी होन ते आ फरमाते ने मैं कोई खेडन आया नहीं बोले मां मियां जी इशारा कर दे जे मैनो है तवज्जो करे जे मैं खेडन आया उन्हें कहा नहीं जी खेड खेडना तो फिर पेगा आ फरमाते ने फिर जी खेड मैं आखा तुहानू खेडनी पैनी इंज नहीं आखो सुबहान अल्लाह जिहड़ी खेड मैं आखांगा वह खेडनी पैनी उन्हें आखिया जी ठीक है आ फरमाते ने चलो ठीक है जो बाहर निकले गौसे पाक अगे बच्चे यहूदियों के पिछे पिछे ने आ फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते इंज करके आसमान वल मुँह करके पता कि फरमाते ने लै रब्बा इत्थों तक लैके आना मेरा काम से अगे तू जाने या ये जानन बचपन दे विच कलमा पढ़ाया नौजवानों फिर एक वक्त आया एक माई ने बच्चा चुकया तो हुजूर गौसे पाक दे नाना दी बारगाह दे विच आ गई आपकी छोटी उम्र गौसे पाक दी नाने दे बार आप खेडते पे ने ते बीबी अंदर गई हुजूर जदों अंदर बीबी गई ने तो रोंदी गई तो रोंदी बार आ गई आ फरमाते ने अम्मा जी मेरे नाने की वह बारगाह जिहड़ा रोंदा जांदा ते हसदा हुंदा है लोग खाली झोलियां लैके जांदे ने भर के आंदे ने पहला केस वेखे है मैं नाने की बारगाह दे विचों रोंदी गई है तो रोंदी आई है खैर ते है बीबी पता बोल के की आंदी आंदी सुनिया से ये बाबा बड़ा करने वाला है मैं सादे लफ्जों दे विच बोलना पे आखो सुभान अल्लाह ये बाबा बड़ा करने वाला है पर मैं ते आई हाँ बाबे का नाम सुन के मेरा पुत्र त्रै दिहाड़े हो गए ने तीन दिहाड़े ने कुछ खादा भी की कोई नहीं पीता भी कोई नहीं मैं आख्या हजूर मेरे पुत्र नु दम करो ते इंज करके बाबे ने आसमान वल निगाह की आख्या जा तेरे पुत्र की जिंदगी है ही कोई नहीं नौजवानों सुने जे इन्नी गल की ते मेरे पुत्र की रूह परवाज हो गई ते मेरा पुत्र ते मैं ते परी झोली अपनी सारा कुछ देख तुर चली हाँ ते जो रोई ते जो बाहर आई ना सुने जे नौजवानों ते आप पता की फरमाते ने एक बारी मेरे नाने की बार गए फिर चक्कर लाया जे
नहीं बोले आखो सुभान अल्लाह। साडा ईमान है यकीन है गौसे पाक ने मुर्दे भी जिंदा किए ने। सुने जे वो अजकल के छोटे मोटे पीर ए करामत बखा के बंद पागल किया हो फिर वो तो है हसनी हुसैनी सैयद जन्ना जिन्होंने मेरे नबी ने फरमाया तू मेरा पुत्र लगना है। नौजवानों तवज्जो करे जे हुजूर गौसे पाक जिस वक्त आख्या एक बार फिर मेरे नाने की बारगाह दे विच जा जदों बीबी ने आख्या मैं किवें जावां पुत्र ते मेरा मर गया ते आप करीब जाके पता की फरमाते ने फरमाते जरा बीबी रुके ना एवं मेरे नाने गल्लां पी कर दीए कपड़ा पिछे कीता वेखे उहदा पुत्र पिया हाथ दा होए पुत्र हसी जावे तो नौजवानों बीबी हैरान हो गई इस मुंडे ने किया की है। उन्हें आख्या बाबे ने आख्या मर गया हूँ मैं बाबे तो कूल जाना मैं तवज्जो करे जे है तो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं इंज नहीं मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। नौजवानों तवज्जो करे जेड़े वेले बीबी बाबे की बारगाह अंदर दोबारा पुत्र लैके गई है ते आंदी है बाबा तू आखिया सी मर गया मैं दसे पाक जनाना जाने निकल के मूर आखबा गीता ते करके आपने आखे ने बीबी बार कीता किया मेरे हुजरे तू बार कीता किया आखिया की करना दी आप बोल के कहने लगे हैं पहले तेरे पुत्र की जिंदगी कोई नहीं सी हुन ते बड़ी लिखी हुई है मेरे हुजरे तू बार कीता किया कहन लगी करना की सी एक छोटा जिहा बच्चा सी उन्हें आखिया सी तेरा पुत्र जिंदा वे मैं वेख्या मेरा पुत्र बाकी जिंदा वे नौजवानों तवज्जो करे आजे आप नूं पता लग गया सारे कम मेरे दोतरे दे ने हुजूर गौसे पाक दे नाना जाने छोटी फड़ी गौसे पाक अगे अगे जा रहे ने नाना जी पिछे पिछे जा रहे ने आप दौड़ते जा रहे ने सारे लोगों आते पे ने लोगों मैनू नाने दे कोलों बचाया जे अज भी तुसा वेख्या होगा निका जिहा बच्चा हो बाप पिछे उदे जावे सोटी लै गए वो किसे ना किसे नूं आखेगा अबू दे कोलों बचाया जे अबू दे कोलों बचाया जे गौसे पाक भी तुरे तुरे किताबां दे विच आउंदा वे आप कब्रिस्तान दे विच आ गए फरमांदे ने मुर्दियों मैनू बचाया जे कब्रां वालियों मैनू बचाया जे नौजवानों तवज्जो करिया जे किताबां दे अंदर लिखिया वे कब्रां फटियां ने याद रखिया जे कल कयामत दे दिहाड़े भी कब्रा फटन गईया सारे बारियां जावन गए जड़े वेले कब्रा फटिया ने सारे मुर्दे बारे आ गए गौसे पाक नू केरा पाया आदि करके जड़े वेले नाने ने शान वेखी छोटी थले सुटी गए सुट के आखिया पुत्रा मैं तेनू मारन नहीं सा आया मैं ते तेनू समझावन आया सा एडी छोटी उम्र दे विच अल्लाह दे राज नहीं खोली एडी छोटी उम्र दे विच रब दे भेद नहीं खोली दे। लो जी लंगर आ गया हुण खत्म पढ़न लगे हैं तवज्जो है रल के आखिरी मैं शेर पढ़ना ते खत्म नबूवत दी गल करन लगा वा तवज्जो है ते बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैनू गाना पेगा नबी नाना सारे पढ़ना नबी नाना अली बाबा ते अम्मा फातिमा ज़हीरा पढ़िए नबी नाना अली बाबा ते अम्मा फा लंगर आ गया है परेशान ना हो मोहब्बत ना पढ़ लो वो सारे मिल गए नबी नाना अली बाबा ते अम्मा फातिमा ज़हीरा नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हीरा है उच्चा सभी माने तो कराना का से आदम दा है उच्चा छपी इस माने तो कराना का। लो जी बड़ी शान है बड़ा मकान है पता की गल है जिवें आपने इलम पढ़िया ना गौसे पाक ने
ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਲਮ ਪੜਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 40 ਦਿਨਾਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅੰਮਾ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਅੱਬਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮਿਲਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਵੀ ਅੱਬੂ ਘਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਅੱਬਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਰੇ ਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਝੂਠ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲੱਭੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਿਨਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਜੀ ਮਾਈ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਈ ਫਿਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰਵੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਦਾਲ ਦੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪਣ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਾਇਆ ਤੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਅਜੀਬ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਵਜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੇੜਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੰਭ ਬਿਜ਼ਨਿਲਾ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਖਾਵੇ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜਦਾਰੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਅੱਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ
ते ए सिर्फ सबकन मैं उन्हें समाध किते दो चार दिहाड़े ते उस बाद फिर मैं जामिया जवेरिया चला गया वहाँ ते नौजवानों तवज्जो करे जी ते ए अल्लाह वाले अंदर फैज़ है मैं गल करना मेरे एक दोस्त गल सुना रहे ने तवज्जो करे जी वो फरमाते हैं कि जदों ये फड़ के सारे ने मैं कोई सियासी तकरीर नहीं करन लगा मैं दसना चाहना सारे फड़ के कोई बंदे विच शहीद हो गए कई कुछ अलग होया कई कुछ होया निके निके बच्चे ए भी बच्चा बैठा है ये भी बेचारा बिच भी बिच सी ते एक होर हाफज सी ये भी मैनू दस दें कि साढ़े नाल भी ए पुलिस वाले किया नौजवानों पता की गल है मैं गल करना एक निका जहा बच्चा उन्हें चुकया तो उन्होंने भी जेले छोड़ उस निके बच्चे का की कसूर है तो थानेदार पता की आंदा थानेदार बोल के आंदा वो ये मुंडे कन्न फड़ लै आखो सुभान अल्लाह बनती नहीं तो पर तुसी आखो सुभान अल्लाह मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह इंज नहीं मैं रंग बयान करना है जरा जौक दे नाल मुहब्बत चुको तो बोलो सुभान अल्लाह आओ नौजवानों तवज्जो करो जिहड़े जेल के अंदर सारे लै के थानेदार ने वेख्या सामने निका जिहा बच्चा ते बोल के कह लगा बच्चिया बारे आ जा जिहड़े वेले बच्चा बारे आया मैं उन्हें छोटी हथ दे विच थानेदार ने रखी है आंदा कन्न फड़ लै बच्चे ने जिहड़े वेले कन्न फड़े ने थानेदार बोल के कह लगा दस बच्चिया तेनू मैं किनिया मारा दस किनिया मारा बच्चा बोल के कह लगा थानेदारा ओनिया मारनिया नी जिनिया कल कयामत दिया ने खा सकना ओनिया मारी जिनिया कल कयामत दिया ने खा सकना है उन्हें कह के बच्चे वे बच्चे वाले वेख्या मैं गल की मैं उतो निकलिया गड्डी दे पिछों बाहर आया ए आवाज आ रही थी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मन सब नबीयन मन सब नबीयन फिर मैं कहना पेगा इन्हें माना नहीं नहीं पढ़ो इन्हें माना इन्हें जाना ना रखा गैरी से काम इन्हें माना इन्हें पढ़ो इन्हें माना किसे बंदे दी गल हो रही है नबी पाक दी गल हो रही है वहां पर पढ़ो इन्हें माना इन्हें जाना ना रखा गैरी से काम लिल्लाहि हम्दी मैं दुनिया से मुसलमान गया इंज नहीं तेंज पढ़ लो इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गया का पढ़िए इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गया इन्हें माना इन्हें जाना रख न रखा गया लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान दुआ है कि अल्लाह करीम तुआडा आना मेरा पढ़ना और ये महफिल जद तक शुरू हुई खत्म हो गई अल्लाह करीम जिन्ना जिन्ना भी काबिश की हाफिज साहब ने और दीगर जिहड़ी इन्हां दी टीम है अल्लाह सारयां दी इस काबिश नूं अपनी बारगाह विच कबूल मंजूर फरमाए।